हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एच पी स्टडी हब आई होप कि आप सभी की स्टडी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी चली होगी तो जैसा कि आप जानते हैं इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड आठ सौ सतारह का मॉक टेस्ट नाइन इससे पहले हमने मॉक टेस्ट एट तक कंप्लीट कर लिए हैं अगर अभी तक आपने हमारे वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले में जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड आठ का मॉक टेस्ट नाइन क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे ये रहा इन विच रीजन डज रेनफॉल अकर थ्रू आउट द ईयर फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन गिवन ऑप्शन में से वो कौन सा रीजन है जहाँ पे साल भर जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है ऑप्शन ए मेडिटेरियन रीजन ऑप्शन बी ट्रॉपिकल ऑप्शन सी इक्वेटोरियल या फिर ऑप्शन डी टेम्परेट रीजन तो आई होप फ्रेंड्स आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया होगा और अगर आपने अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया तो पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटैम्प ट्राई करें उसके बाद जो है आप मेरी वीडियो को इस आंसर को सुने तो इसका जो राइट right आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर वन का आई होप कि आपने इसका आंसर ऑप्शन सी किया होगा तो आप बिल्कुल राइट right है इक्टोरियल इज द राइट आंसर तो फिर थ्रू आउट दी साल में जो है सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो अक्र होती है इक्टोरियल रीजन में और इस रीजन में लगभग साल में दो मिलीमीटर mm के आसपास यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी एज़ कंपेयर टू आपके अदर रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड जिसमें आपसे पूछा गया है विच्स वाटर बॉडी सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये ठीक है काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपने मुझे बताना वो कौन सी वाटर बॉडी है जो सेपरेट करती है अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से ठीक है तो इसका जो राइट right आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स वो आपका चैनल है वह आपका टेन डिग्री ऑप्शन ए अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट right है टेन डिग्री चैनल जो है आपका सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार आइलैंड से नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें आपसे पूछा गया है हु वर द फर्स्ट टू स्टार्ट अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया आपने मुझे बताना है किसने इन गिवन ऑप्शन में से स्टार्ट किया था फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ताकि वो ट्रेड कर सकें इंडिया के साथ पोर्चुगीज डच फ्रेंच या फिर डेनिश। तो इसको जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं कि उसका राइट आंसर है डच डच थे जो स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है डच uh, और अगर बात करूँ इंडिया में सबसे पहले कौन यूरोपियन आए थे तो फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन ए पोर्चुगीज दो थे या हिंदी में कहूँ तो पुर्तगाल पुर्तगाली जो थे इंडिया में फर्स्ट आए थे और बास्को डिगामा जो कि चौदह में इंडिया में आए थे वो भी एक पोर्चुगीज थे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू हैव स्टार्ट पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड फोर्थ में आपसे पूछा गया है इन गिवन ऑप्शन में से फ्रेंड्स वो कौन सा पर्सन है जिसने स्टार्ट किया था पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया फ्रेंड्स पोर्टफोलियो का मीन सिंपल लैंग्वेज समझाओ तो डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ठीक है पर्टिकुलर पर्टिकुल विभाग के नाम से डिपार्टमेंट बनता है फॉर एग्जाम्पल आपका हेल्थ डिपार्टमेंट डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया ठीक है तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट बनते हैं ये आपका कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था ऑप्शन ए लॉर्ड लो लोडलॉजी लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड इलगिन या फिर सर जॉन लॉरेंस ने तो इसका राइट आंसर आई होप आपने भी कमेंट कर लिया होगा या अपने अटैम्प्ट भी इसको कर लिया होगा तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर फोर का पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था या स्टार्ट किया था लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा एटीन फिफ्टी नाइन में पोर्टफोलियो किया था और अलग अलग डिपार्टमेंट बना के जो थे इसके लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में यहां पे जो लोग थे या कहूंगा अधिकारी जो इस को चलाने के लिए नियुक्त किए थे नेक्स्ट क्वेश्चन कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज ठीक है पार्ट बनाऊ तो ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट और ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट ठीक है तो आपने मुझे बताना है ईस्टर्न कोस्ट इंडिया को और किस नाम से जाना जाता है आपके ईस्टर्न प्लेटू बंगाल कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट या फिर साइक्लोनिक कोस्ट तो आई होप आपने इसको राइट कर लिया होगा जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया के उसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट ठीक है कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट को तो कहा जाता है फ्रेंड्स आपका मालावार कोस्ट ठीक है आप इसे कंफ्यूज ना करें ईस्टर्न वाली साइड है कोरोमंडल और वेस्टर्न वाली को बोला जाता है मालावार कोस्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया इंडिया का आयरन मैन किसे कहा जाता है तो आई होप अपने इस क्वेश्चन को राइट अटैम्प्ट कर लिया होगा ये रहे आपके चार ऑप्शन और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर सिक्स का वो है ऑप्शन ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री ठीक है इन्हें आपका आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो भी इन्हीं के लिए बनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी ठीक है स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछ सकते हैं और कहाँ पे है ये आपकी गुजरात में ठीक है गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी ये पूछ सकते हैं और इसकी हाइट कितनी है तो ये आपकी वन मीटर है ठीक है आप इसे याद रखें और इम्पोर्टेंट फैक्ट इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट की जाती है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर एज अ नेशनल यूनिटी डे ये भी आप याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन महाल नोविस मॉडल हैज़ बीन एसोसिएटेड विद विच फाइव ईयर प्लान फ्रेंड्स फाइव ईयर प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आपने मुझे बताना माह महाल नोविस मॉडल इनमें से कौन से फाइव ईयर प्लान में आया था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में सेकेंड में थर्ड में या फिर फोर्थ में तो आई होप आपने इसको अटैम्प्ट कर लिया होगा ठीक है काफी बेसिक क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी सेकेंड फाइव ईयर प्लान में महानवास मॉडल आया था इनका पूरा नाम था पी सी महानुवास मॉडल इन्होंने कुछ अपने आइडियाज और थाट्स दिए थे उनको जो था फाइव ईयर प्लान में इम्प्लीमेंट किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट वेन वर मैनी एरियाज ऑफ पंजाब मर्ज विद हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश का एक क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया वो कौन सा साल था जब आपके पंजाब का काफ़ी एरिया जो था हिमाचल प्रदेश के अंदर मर्ज किया गया था नाइनटीन फिफ्टी में नाइनटीन फिफ्टी टू में नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में या फिर नाइनटीन सिक्सटी एट में तो आई होप इस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर लिया होगा एच का एक क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नाइनटीन जो है इसका राइट right आंसर रहने वाला है पंजाब को काफी एरिया को मर्ज किया गया था नाइनटीन में ठीक है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे भी याद रखें क्वेश्चन नंबर नाइन अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन में फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है जब हिमाचल प्रदेश को फाउंड किया गया था पंद्रह अप्रैल नाइनटीन फोर्टी एट को थी उस वक्त हिमाचल प्रदेश की फोर डिस्ट्रिक्ट थी तो आपने मुझे बताना इन गिवन ऑप्शन में से वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट उस वक्त हिमाचल प्रदेश का पार्ट नहीं थी ऑप्शन ए चंबा महानसु सिरमौर या फिर बिलासपुर तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर लिया होगा और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर नाइन का फ्रेंड्स वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो थी आपकी बिलासपुर ठीक है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो थी उस वक्त हिमाचल प्रदेश का पार्ट नहीं थी तो चार डिस्ट्रिक्ट में थी आपकी चंबा भी थी महानसू भी थी सिरमौर भी थी और जो फोर्थ डिस्ट्रिक्ट थी वो थी डिस्ट्रिक्ट मंडी ठीक है डिस्ट्रिक्ट मंडी इसका राइट आंसर रहने वाला है तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नाइन का डी बिलासपुर लेटर आपका पार्ट वन ये उस वक्त पार्ट सी का पार्ट था ठीक है हिमाचल प्रदेश का नेक्स्ट हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रिंसली स्टेट बुशेर अगेन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुशेर जो प्रिंसली स्टेट है ठीक है इसको किसने फाउंड किया था आपके ऑप्शन यहाँ पर दे पाल श्री कृष्णा प्रद्यु प्रद्युमना या फिर विशंभरा ठीक है तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर टेन का वो है ऑप्शन सी प्रद्युमना जो है या प्रद्युमन इन्होंने आपका फाउंड की थी बुशेर प्रिंसली स्टेट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से आप इसे याद रखिए तो यहाँ से आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन खत्म होता है अब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर एवन फोर्टन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर सुटेबल फॉर जो फोर्टन प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज होती है ठीक तो है आप ये भी याद रखिए कि फोर्टन एक लैंग्वेज है ये किसके लिए बेस्ट होती है ठीक तो है सुटेबल होती है ऑप्शन ए बिजनेस एप्लीकेशन के लिए मार्केटिंग एप्लीकेशन के लिए साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दब के लिए तो इसका राइट आंसर आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा और क्वेश्चन नंबर इलेवन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए फोर्टन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे सुटेबल रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज फ्रेंड्स इसके ऑप्शन भी मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटम्प्ट कर लिया होगा और काफी स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है सीपी को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन जिसमें आपसे पूछा गया है एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन दी सप्लाई फॉर एनालॉग कंप्यूटर आपके काम करते किसकी सप्लाई पे ऑप्शन ए कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस इलेक्ट्रिकल प्रोसेस बट नॉट कंटिन्यूस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या फिर नॉन ऑफ दि वग तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर लिया होगा ठीक तो है टू टाइप के कंप्यूटर होते हैं फ्रेंड्स जनरली तो आप अगर आप कंप्यूटर का पेपर की तैयारी कर रहे हो और आप आपालो कंप्यूटर और सेकंड टाइप के कंप्यूटर था आपकी डिजिटल ठीक है डिजिटल और अनालोक कंप्यूटर तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा डिजिटल कंप्यूटर क्यों लाए गए क्योंकि अनालो कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम थी कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल प्रोसेस की इन्हें कंटिन्यू जो थी इलेक्ट्रिक की सप्लाई चाहिए होती थी ठीक है तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल प्रोसेस एनालॉग कंप्यूटर जो काम करते थे इनके लिए आपको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक प्रोसेस की जरूरत होती थी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एन एरर इज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग ठीक है तो आप इसे भी याद रखिए बग किसे कहा जाता है तो बग कहा जाता है एक एरर जो कि आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में होता है तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जारगोन फॉर इट ठीक है क्या है आपका जारगोन फॉर इस बग को कंट्रोल करने के लिए अल्टरनेटिव कंप्यूटर के पास अगर ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए लिच स्क्ट स्लग या फिर ग्लिच आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी कर कॉमन ऑब्जेक्ट मॉडल आर इट है कॉमन जो ऑब्जेक्ट मॉडल है इसके एडवांटेज क्या है ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट साइज एंड स्पीड रीडेबिलिटी ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट साइज एंड स्पीड ऑप्शन सी रीडेबिलिटी एंड स्पीड या फिर ऑप्शन डी लो कॉस्ट रीडेबिलिटी तो सी का फ्रेंड्स आपका मेन जो एडवांटेज है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का जो राइट right आंसर है अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल राइट right है कॉम्पैक्ट साइज एंड स्पीड रिडेबिलिटी इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपने मुझे यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है बी आई ओ एस की ठीक है एब्रीवेशन क्या है बी ओ एस की फुल फॉर्म है ना ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट आउटपुट सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट सिंबल या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये सोच रहे तो आप बिल्कुल यहाँ पे राइट right है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है ठीक फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर सेवनटीन जिसमें आपसे पूछा गया है विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपने मुझे बताना है कौन से प्रिंटर काफी कॉमन होते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर इन प्रिंटर डेजी वील प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है अगर आपने प्रिंटर वाले चैप्टर को काफी अच्छे से कवर किया होगा आई होप पा काफी लोगों ने इसको राइट कर दिया होगा ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन एटीन आपने मुझे बताना है आई वन फोर जीरो वन यानी कि चौदह सौ एक ये कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है फर्स्ट का सेकंड का थर्ड का या फिर फोर्थ का तो इसका जो राइट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर एटीन का अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल राइट है क्योंकि सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर ही था आई पी एम फोर्टीन जीरो एट फोटीन जीरो वन है ना द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो मैक्सिमम कैसे होते थे स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते थे जनरल पर्पज कंप्यूटर होते थे बोथ ऑफ द अबो होते थे या तो या फिर नन ऑफ द अबो होते थे तो इसका जो राइट रह आंसर रहने वाला है ना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का जो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो आपके ऑप्शन बी जनरल पर्पस कंप्यूटर होते थे थी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर नहीं होते थे आपके ठीक है तो नाइनटीन का आंसर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन ए सॉरी फ्रेंड्स आपका ये आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर थे जनरल पर्पस नहीं स्पेशल पर्पस ठीक है जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो थे ऑप्शन ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फ्लोपी डिस्क टिपिकली इन डायमीटर आपने मुझे ना डिस्क का डायमीटर बताना है ऑप्शन ए तीन ऑप्शन बी पांच पॉइंट पच्चीस ऑप्शन सी आठ या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वो तो जो तो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का वो होगा अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन डी तो बिल्कुल तो तो सही है तीन का भी डायमीटर होता है डिस्क का पांच पॉइंट टू फाइव का भी होता है और आपका आठ का भी होता है तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ वो होगा ट्वेंटी वन क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय आउटपुट क्वालिटी होती है प्रिंटर की वो किससे मेजर की जाती है ऑप्शन ए डॉट पर इंच पे डॉट पर स्क्र इंच पे डॉट प्रिंटेड पर यूनिट प्राइम पे या फिर ऑल ऑफ द दउ पे अगर आप सोच रहे ऑप्शन ट्वेंटी वन का बी तो बिल्कुल राइट right है डॉट पर स्क्र इंच से जो है क्वालिटी मेजर की जाती है प्रिंटर आउटपुट की ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर हाउ मच मेमरी इज अवेलेबल टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पर्सनल कंप्यूटर में ना कितनी मेमरी जो होती है अवेलेबल होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए ऑप्शन ए एक हजार चौबीस के भी ऑप्शन बी सात सौ साठ के भी ऑप्शन सी छ सौ चालीस के बी या फिर ऑप्शन डी पांच सौ साठ के बी तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी छो चालीस के भी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पीसी के पास अवेलेबल रहती है मेमोरी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इन कंप्यूटर इज कैपेबल ठीक है टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट एक कंप्यूटर कैपेबल होता है कितने बाइनरी बिट स्टोर सिग्नल के लिए है ना ऑप्शन कैपेसिटर फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर या फिर इंडक्टर तो इन अ कंप्यूटर इज कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट उसका राइट आंसर ऑप्शन बी फ्लिप फ्लॉप इसका राइट आंसर रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी फोर व्हाट डज डीएम स्टैंड फॉर आपने मुझे ना डी की फुल फॉर्म बतानी है ठीक है ऑप्शन चार है आपके पास डिस्निक मेमरी एक्सेस डायरेक्ट मेमरी एक्सेस डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस डायरेक्ट मेमरी एलोकेशन तो अगर आप सोच रहे को ट्वेंटी फोर का राइट आंसर ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल यहाँ पे थोड़े से रोंग हो गए क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का और आई होप कि आपका अभी तक जो मॉक टेस्ट काफी अच्छा चला होगा ठीक है और आपने अच्छा स्कोर गेन किया होगा फिर जो भी आपका स्कोर रहता है वो हमारे साथ जरूर शेयर करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव हो इन्वेंट इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेटेड यानी कि आईसी चिप चिप होती है ना इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी खोज जो किसने की ऑप्शन ए जैकी बिली रोबर्ट नोकी बोथ ऑफ या फिर नन ऑफ तो इसका राइट आंसर अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हो तो बिल्कुल राइट है जैक किबली और आपके रोबर्ट नौसी ने मिलकर जो है इस इंटीग्रेटर सर्किट की खोज की थी तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने टॉप ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट मोक टेस्ट नाइन जो है कंप्लीट कर लिया है अगर आपको इस लेक्चर की पी चाहिए मोक टेस्ट नाइन की तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एच पी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको हमारे मोक टेस्ट नाइन की पी तो मिलेगी इसके साथ ही हमारे जो अभी तक हमने जो नाइन मॉक टेस्ट कंप्लीट किए उन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी और एच पी स्टडी हब पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं बस आई होप कि आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चली होगी और आपका मॉक टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहा होगा जो भी स्कोर रहा होगा उसे हमारे साथ जोड़े शेयर करें तब तो तक तो के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें सेफ रहे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तो तक तो के लिए धन्यवाद